आज जो मित्रों मैं साधना लेके आया हूँ, ये बहुत ही अचूक है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरा चैनल देखते हैं। सभी माताएं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाइयों बहनों का। और उन लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और हमें सपोर्ट कीजिए कि मैं ऐसी और वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए कि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। आप अकेले अकेले फ़ायदा मत उठाइए, औरों को भी भेजिए, ठीक है। और आज जो मैं साधना लेके आया हूँ, ये तो आपको पता चल गया होगा माता मसाणी की है। कुछ लोग इसको मरी मसाणी कहते हैं, तो कुछ लोग इसको मेलडी मसाणी कहते हैं। सभी की अलग अलग विधि है, लेकिन ये मंत्र दिख रहा है, ये बहुत ही गुप्त है। तो माता मसाणी शीतला माता सेम है, और माँ पाथरी वाली, और ऐसी बहुत सी देवियाँ हैं, वो ये सेम ही इन कोई रूप है। तो इसकी साधना हम लोग ना करें, और दूसरी मेन बात, कमज़ोर दिल वाले इसकी साधना ना करें, और ख़ासकर इस साधना से गलत काम कभी ना ले, नहीं तो ये माता मसाणी आपको मार देगी, मरी मसाणी आपको मार देगी। मंत्र आपको दिख रहा है, मरी मरघट में आवे जावे, मरी मरघट मठाहरे, सुनाए मुरा मुर्दा भून भून खाए, मेरा इतना काम करे करके ना लावे तुझे तेरी माँ का दूध हराम। इसमें से लिखा नहीं, मतलब का लिखना मैं भूल गया, रस में था तुझे तेरी माँ का दूध हराम। ठीक है, इसमें का नहीं लिखी जाए, रस में ऐसा लिखा तुझे तेरी माँ का दूध हराम, इस टाइप की है ये मंत्र। ये 11 दिन की साधना है। तीसरे दिन इसमें अनुभव शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको कमजोर दिल वाले ना करें। हाँ, इसको वो कर सकता है जो मेरे साथ जुड़ा है, उन्हों को मैं करवा सकता हूँ, और एक गुप्त मंत्र है। मेरा तो यही काम है कि गुप्त से गुप्त चीज़ें आप तक कर बताऊँ। एक दिन मैं सभी गुप्त चीज़ें आपके सामने छोड़ दूंगा। मैंने वो यंत्र बताया था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिन की आजू वाला। वो यंत्र किसी को चाहिए तो मैं उसको भेज दूंगा। वो बनाना कैसे उसकी विधि भी बता दूंगा। बाकी किसी प्रकार की बात आपको समझ में आई हो तो मेरे को कमेंट करना। कोई साधना चाहिए पूर्ण विधि विधान से तो कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय हनुमान। इस साधना की मैंने क्यों नहीं विधि बताई पूरी, क्योंकि तो ये अति उग्र और भयानक साधना, इसको आम लोग नहीं कर सकते। इसको वही कर सकता या कोई अघोरी हो, या कोई ओगड़ हो, या फिर कोई भगत हो। माता मसाणी का ये खतरनाक साधना है। तो हम लड़के मेरे को कॉल करें, वो तो इस मंत्र को ही ना पढ़े। वरना वो इसके दुष्परिणाम भोग के बैठ जाएंगे, क्योंकि उसकी नीतियाँ से आपने, जो पूरा नेक इंसान हो, जिसके मन में नेकी हो, वही इस साधना को कर सकता है। इसकी गुबत इसकी विधि इसलिए मैंने नहीं बताई है।
हाँ, अगर कोई ओगड़ बाबा कोई मेरे को कॉल करे ऐसा, मतलब गोरी या फिर कोई संत, तो मैं उसको, वो मेरे को ईमेल कर दे, मैं उसको उसकी विधि बता सकता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।